नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बाबरी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पर चलेगा आपराधिक केस, लेकिन राज्यपाल पद पर होने की वजह से कल्याण सिंह को मिली राहत। अब 2 साल में मामले की सुनवाई होगी पूरी। अखिलेश के स्मार्टफोन योजना पर योगी ने गिराई गाज, योगी सरकार ने योजना खत्म करने के दिए आदेश, 5 करोड़ लोगों को स्मार्टफोन देने की थी योजना। मुरादाबाद में आरटीआई के कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त ने लगाए जय श्री राम के नारे, 3 तलाक को खत्म करने की रखी मांग, भारत पाक मैच में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने की भी की अपील। दिल्ली में एमसीडी चुनाव ने लिया खूनी रंग, जामिया इलाके में आप विधायक अमानतुल्लाह पर जानलेवा हमला, आप विधायक ने कांग्रेस पर लगाया हमले का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वोटिंग मशीन के बाद केजरीवाल के निशाने पर चुनाव आयुक्त, अखबार को दिए एक इंटरव्यू में लगाया आरोप, कहा 3 में से 2 आयुक्तों का मोदी और शिवराज की तरफ झुकाव। सोनू निगम के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई में घर के बाहर तैनात रहे पुलिसकर्मी, विवादित ट्वीट के बाद मुंबई पुलिस का एक्शन। अब 14 मई से हर रविवार बंद रहेंगे 8 राज्यों के पेट्रोल पंप, भारतीय पेट्रोल मालिकों के संगठन ने लिया फैसला, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की थी ईंधन को बचाने की अपील। कैलिफोर्निया में फायरिंग से दहशत, हमलावर ने 3 लोगों को किया ढेर, गिरफ्त में आरोपी, आतंकी हमले के एंगल से जांच जारी। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 30 अंक की गिरावट, वहीं निफ्टी 9100 के स्तर पर। और विराट की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दर्ज की पहली जीत, गुजरात लायंस को 21 रन से हराया, आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच होगा मुकाबला। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।